Stop it! Stop it! Stop it! जो रैली कर रहे हैं इसका सोल पर पहुंचते हैं
जैसे कि अभी सबको पता है, अभी रिसेंटली केस जो पासीघाट में हुआ है लोअर सियांग का हमारा बहन के साथ में, तो उसके कारण हम लोगों ने सरोजनी सपोर्ट करते हुए ये रैली को निकाला गया है। एंड देन और हम लोग गवर्नमेंट को यही कहना चाहेगा और एजुकेशन मिनिस्टर को कि ऐसे टीचर के साथ सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। उसके बाद में स्पीड ट्रायल में जल्द से जल्द केसेस को पेंडिंग नहीं करते हुए स्पीड ट्रायल में एक केसेस को ले जाना चाहिए। उसके बाद पोक्सको एक्ट में, जैसे कि हम लोग को पता है लड़की अंडर एज लड़की है 16 ईयर्स ओल्ड, उसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो उसको पोक्सको एक्ट का अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पनिशमेंट सेवियर पनिशमेंट दिया गया है वो पनिशमेंट उसमें एप्लीकेबल होना चाहिए बोल करके मैं सरकार से गुहार और हॉनरेबल कोर्ट से गुहार लगाना चाहूँगा। तो इस मामले में अभी तक जो इंचार्ज है आयोग, उनका क्या कहना है, फिर इन्वेस्टिगेशन कितना आगे चला गया? इन्वेस्टिगेशन को कल पासीघाट पे हुआ गया है, प्रोटेस्ट हुआ गया है वहाँ पे, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी तक खबर नहीं आया है, लेकिन जब सुनने में आया है कि उन लोग काम शुरू कर रहा है, एक कोर कमेटी भी बैठाया गया है इसके लिए, गठन किया गया है आपसू ने भी एक कमेटी बैठाया गया है, तो उसमें कार्रवाई चल रहा है अभी, शायद आज चलना चाहिए। और हम लोग प्रोटेस्ट करने का यही मतलब है कि अगर कार्रवाई कर रहा है तो जल्द से जल्द करना चाहिए, उसके बाद जल्द से जल्द हम लोग को रिजल्ट चाहिए। तो हम लोग ये प्रोटेस्ट एक ही बार नहीं चलेगा, अगर प्रोटेस्ट हम लोग थोड़ा भी हम लोग लगेगा कि ये क्या में ढीला हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, तो हम लोग प्रोटेस्ट बार बार जारी रखेगा अंटिल एंड अनलेस वी गेट जस्टिस। इन कोलाबोरेशन विद लॉ स्टूडेंट यूनियन के साथ कोलाबोरेट किया गया है इस रैली में, हम लोग के साथ जनरल सेक्रेटरी APWWS लोअर सियांग यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मैडम टीपू ताउदिनी जी है, और बाकी बात लो वो बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग देते हुए और JTM न्यूज़ को धन्यवाद आगे देना चाहते हूँ, क्योंकि आप लोग का थ्रो से हम लोग का हर लिकावली का न्यूज़ आगे चल के हम लोग का गवर्नमेंट तक जाता है, आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज सभी इधर जितना स्टूडेंट आए हुए हैं और हम लोग का पब्लिक जितना आए हुए हैं सभी को धन्यवाद है। और हम लोग का आज का ये पीसफुल रैली का ये जो आज का हम लोग का जो ऑर्गेनाइज किया है वो लोअर सियांग इंटर हम लोग का लोअर सियांग का लो स्टूडेंट यूनियन लोग करा रहा है, तो इसको लॉजिकली देखने से लो स्टूडेंट यूनियन लोग इमीडिएट हम लोग को ऐसे एक्शन करा के हम लोग बहुत अच्छा लगा है ना। तो हम लोग को अभी कल रैली रिसेंटली कल पासीघाट में हुआ है, आप सब लोग का और स्टूडेंट यूनियन इतना हर कोई स्टूडेंट आदि लोग सब लोग आके उधर किया है, तो हम लोग का लोअर सियांग वुमेन वेलफेयर सोसाइटी भी जिगोयोगो स्टूडेंट यूनियन लोग भी हम लोग का इधर का लोअर सियांग का सभी ने उधर पार्टिसिपेट किया है। तो आज थोड़ा पार्टिसिपेट करके हम लोग का इधर नहीं हो पाया है, लेकिन स्टूडेंट इधर का लो स्टूडेंट यूनियन लोग आज ये रैली पीसफुल रैली रख के हम लोग को जितना हम लोग हो सका है जितना सर्कुलेट हो सका है वो लोग सुन के आया है। अगर और एक दो दिन होने से तो बहुत ही आना था, सभी का सेंटिमेंट है ये, तो जितना कल होना था हम लोग का लोअर सियांग लोग भी इंटर लोअर सियांग का पासीघाट में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आज का है स्पेशली हम लोग का स्टूडेंट लोग को ये लो स्टूडेंट लोग ने अपना से इमीडिएट एक्शन सोच के अपना हम लोग के लिए माँ लोग के लिए स्पेशली हम लोग का लेडीज के लिए स्टूडेंट गर्ल्स चाइल्ड के लिए स्टूडेंट यूनियन लोग ने हम लोग का लो स्टूडेंट यूनियन लोग ने ये आज रैली को पीसफुल रैली को रखा गया है। तो हम लोग माँ लोग भी बेटा लोग को ऐसे करने वाला को देख के हम लोग भी बहुत दिल से अच्छा लगा है, सेंटिमेंट हम लोग मतलब इमोशन भी हो रहा है कि हम लोग के लिए इतना लेडीज के लिए वुमन के लिए इतना आज का जनरेशन आज का यूथ लोग ऐसे हम लोग को ऑर्गेनाइज कर दिया है बोल के हम लोग भी इमीडिएट हम लोग आज हम लोग भी ये करके सर्कुलेट करके हम लोग जितना माँ आया है ये आया है ना। तो आज इतना ही है कि हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड जो जितना आज का स्टूडेंट लॉ लोग ने रखा है तो इमीडिएट फीलिंग ऑफ चार्जेस इसको तो नंबर वन का जैसे भी हुआ इसको ये चार्टर ऑफ डिमांड को हम लोग का गवर्नमेंट देख देना है। हम लोग का आज हम लोग डिप्टी कमिश्नर का इधर इसलिए लोअर सियांग पीसफुल रैली इसलिए आया है कि डिप्टी कमिश्नर का थ्रो से हम लोग का बात आगे जाएगा, हम लोग का फीलिंग्स हम लोग का इमोशन पब्लिक का फीलिंग इमोशन और हम लोग का जो डिमांड है वो आगे जाएगा बोलते हम लोग आया है। और चार्टर 3-4 तक दिया है, 3 में स्पीडी जस्टिस फॉर द विक्टिम ना, इसको स्पीडी जस्टिस को मेन है हम लोग का जस्टिस को आज तक सब बोलता है कि जस्टिस
लास्ट में होके नहीं मिलता है। लेकिन हमने कल भी मीडिया ब्रीफिंग में पासीघाट में भी बोला है कि आज ये अभी आज का जनरेशन है, हम लोग का आज का जनरेशन है, जितना पहले गया है पॉलिटिकलाइज किया है जो भी किया है वो अभी नहीं होना है। तो गवर्नमेंट से वही अपील है कि हम लोग का विक्टिम को इमीडिएट हम लोग का जस्टिस मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और डिमांड है हम लोग का कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट जैसे भी हो होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में जो भी हो ऐसे क्रूअल माइंड होने वाला और जानवर दिमाग होने वाला, हम लोग का अपना बहन को, अपना माँ को और एक औरत को, एक औरत का दुख दर्द को नहीं समझने वाला को बार बार सोचने के लिए ये आपका हजार नहीं लाख लाख बार सोचने के लिए ये पनिशमेंट देना जरूरी है। ये आज अगर ऐसे ही चलते आएगा तो अरुणाचल में हम लोग का ये दूर नहीं रहेगा कि इधर हुआ है उधर हुआ है बोल के, इतना दूर नहीं होगा कि रेप केस जो इतना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग का गवर्नमेंट इसको अच्छे से टैकल नहीं करता, इसके बावजूद ऐसे इसके लिए ऐसे हो रहा है ना। तो इतना हम लोग वोमेन वेलफेयर सोसाइटी लोग, इतना हम लोग का ये बेटी लोग को जितना हम लोग हो सके वो लेडीज का सेफ्टी के लिए, गर्ल चाइल्ड का सेफ्टी के लिए हम लोग का APWWS LSDCC हम लोग का वोमेन ये कमीशन हम लोग का इतना हम लोग दिन रात हम लोग एक करके हम लोग का काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो हम लोग का CM हम लोग का सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम लोग का मोदी सरकार सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये चीज जो हम लोग का कभी कम नहीं होगा। तो ये बात को हम लोग का जैसे भी हो आज ये रैली को आज का हम लोग का कल इस सियांग में हुआ है, आज लोअर सियांग में हो रहा है, तो ये इसको हम लोग का पब्लिक सेंटिमेंट को देख के, हम लोग का पब्लिक का दुख दर्द को देख के हम लोग का गवर्नमेंट जैसे भी हो स्टेप उठाना है कि ताकि इन फ्यूचर कमिंग जनरेशन ये काम करने के लिए, ये क्राइम करने के लिए वो लोग लाख लाख बार सोचने के लिए ना। तो आज इतना ही है कि हम स्टूडेंट लोग को भी और जितना इधर जेंट्स आया हुआ है आप लोग को भी हम थोड़ा सा मैसेज देना चाहते है कि आप लोग भी आज अगर आप लोग जो एक नोंग जमोक टीचर का गलती से आप लोग जितना फीलिंग्स आप लोग का निकला है, अरे वो भी एक मेरा बहन है, एक मेरा दीदी है, अरे हम भी एक माँ से निकला है बोल के आप लोग जितना आज आप लोग इमोशन होके जितना जेंट्स इधर निकला है, आप लोग जेंट्स लोग भी तान लो, आप लोग जेंट्स लोग भी ये मैसेज दे दो कि आप लोग का हर कोई, आप लोग का गली गली हर कोई, आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज नहीं होना है, रेप चीज जो नहीं होना है रेप फ्री होना है ना। तो आप लोग से शुरू होगा, जितना भी बोलो लेडीज से इतना क्राइम नहीं निकलता, ये लेडीज का वजह से हम लोग का रेप निकलता है बोलने नहीं सकेगा, क्योंकि आप लोग जेंट्स लोग आप लोग का दिल दिमाग को आप लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे सिर्फ नहीं होना है, आप लोग अवेयरनेस देना है, स्टूडेंट लोग स्टूडेंट ग्रुप में अवेयरनेस दो, आप लोग स्पोर्ट्स करते समय भी ये अवेयरनेस दो, आप लोग ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग बैठते समय भी ये अवेयरनेस दो कि हम लोग ये चीज नहीं करना है, रेप फ्री होना है हम लोग का जगह में, ताकि हम लोग का औरत लोग बहन लोग लड़की लोग फ्रीली जहां भी हो हम लोग का कर सके, हर चीज में हम लोग भी औरत लोग को फ्री देना चाहिए। आज का जमाना है वो गया जमाना नहीं है कि हम लोग का औरत लोग लड़की लोग डर का मारे घर का अंदर में बैठने का समय नहीं है, अभी हर चीज में लेडीज और जेंट्स ये हम लोग का 50-50% होना है, आपका कोर्ट से भी आपका बेटा बेटी 50-50% है, और हम लोग का मोदी सरकार से और हम लोग का सरकार में क्या बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ना, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलने से आज गुरुजी ही ऐसे करने से क्या इसको क्या बोलेगा, इसको क्या सरकार बोलेगा और इसको क्या एजुकेशन सिस्टम बोलेगा। तो एजुकेशन सिस्टम लोग को भी वही बोलना चाहता है कि एजुकेशन इधर ये आपका डिप्टी कमिश्नर को सिर्फ नहीं बोलेगा, हम लोग का ये आपका DDSC सर का भी बोलना इसको रेस्पॉन्सिबल लेना चाहिए कि आपका एजुकेशन से ही क्यों निकला है, अगर एजुकेशन अगर मंदिर है तो हम लोग का ये स्कूल मंदिर है, तो स्कूल से ये अगर निकलेगा तो कोई दूसरा नहीं पढ़ने वाला को हम लोग क्या मैसेज देगा, ये बात जरूरी है, इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। और हम इतना ही है कि जेंट्स स्टूडेंट जितना पब्लिक इधर आया हुआ है आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का दिल दिमाग से आप लोग सोच के हम लोग के लिए फीलिंग्स होके आप लोग ऐसे निकाल दिए, इसलिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जितना इधर लेडीज लोग आया है, लेडीज लोग आने का ये से हम लोग आप लोग को वही मैसेज देना चाहता है कि हम लोग एक लेडी का नारी ये लीडर बनने का ये से हम APWWS LSD यूनिट का जनरल सेक्रेटरी हूँ मिसेस इफू टाउडी ने, तो आप लोग को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लेडीज लोग भी आपका अपना रहन सहन आपका कपड़ा पहनने का ढंग आप अच्छा से आप लोग भी पहनिए, आप लोग मौका मत दीजिए सोसाइटी को, मौका मत दीजिए क्रूअल दिमाग वाला को सैटनिक दिमाग बुकने वाला को आप लोग मौका मत दीजिए, आज का जमाना वो आपका शॉर्ट पिन के या फैशन करके करने का नहीं है, आपको लेडीज को आपका ये आप
पॉलिटिक्स में भी आप एक लीडर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको ये साइंटिस्ट बनना है ना। हम इतना हम लोग का करने के लिए है, ये पैशन का दुनिया में मत रहो। आप चांस, हम लोग भी चांस नहीं देना है, हम लोग औरत लेडीज हम लोग भी चांस नहीं देना है, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। धन्यवाद। आपने जो क्वेश्चन अराइज किया है कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नोंग जामो जी, आप एक टीचर हो, आप एक इंग्लिश टीचर है, आप एक लैंग्वेज टीचर है, तो हम सभी, मैं भी एक टीचर हूँ, सबसे पहले तो आप ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और मैं भी ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, और आप एक लैंग्वेज टीचर हैं। आप लैंग्वेज, जैसे कि हम टीचर हैं, हम सब शिक्षक, अगर हम सभी इस तरह से बर्ताव करेंगे अपने स्टूडेंट से, तो अपने बच्चों को हम इस तरह से बर्ताव करेंगे तो हम शिक्षकों का क्या मान्यता रहेंगे। इंग्लिश टीचर है, मैथ टीचर है, हमें हर गुणों से परिपूर्ण होना है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे ये जो समाज में, कि हम एक टीचर होने के नाते हमारा क्या वैल्यू है, मूल्य है, आप समझना चाहिए। आपने जो क्या है, आप अकेले रहते समय किया, लेकिन आपको जो पहले जो लोग नहीं जानते थे कि नोंग जामो एक टीचर, इंग्लिश टीचर है, लेकिन आपका आज जो नाम फैला है वो इस तरह से फैला है कि एक धब्बा लग गया है। और हम लोग भी टीचर है, लेकिन इस तरह से हम लोग सोच नहीं सकते, गलती तो होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि लैंग्वेज टीचर होने के नाते हमारे भारतवर्ष में नारी को किस तरह से पूजा जाते हैं। नारी को हम एक देवी की तरह, एक दुर्गा, सरस्वती, काली के रूप में हम लोग पूजते हैं, और इस तरह से आप एक शिक्षक होते हुए इस तरह से राक्षसी कार्य करना, ये कहाँ का न्याय है? ये तो एक, हम शिक्षकों के लिए समाज में एक धब्बा बन गया, और हमें आज कोई वही इज्जत हमें शायद ना भी मिले, लेकिन हम समाज वालों से ये कहते हैं कि एक का, दो का, किसी का गलती को हम पूरे शिक्षक समाज को इस नजर से ना देखें। ये जो न्याय हम लोग मांग रहे हैं, हम सरकार से ये लिखा वाली लोअर सियांग तक ही ये खबर सीमित नहीं रहना है, ये ईटानगर से दिल्ली तक पहुंचना है, और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र विनय करते हैं कि सर, आप ऐसा कानून लागू कीजिए भारत वर्ष में कि हम नारियों को, हमें जिस तरह से आपके मर्द खुलेआम रात के 12 बजे हो, सुबह के 2 बजे हो, खुलेआम घूमते हैं, हमें भी इस तरह से घूमने का, हमें भी इस तरह से आज़ादी आप दिलाइए, हमें भी हर कोने में खुले आसमां में हम भी अपने मन मर्जी इधर से उधर जा सके, अपने काम कर सके, चाहे जो भी हो। और हमें ये नहीं चाहिए कि हम फिल्मों में देखते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हमें ये नहीं चाहिए। इसका जो न्याय है हमें जल्द से जल्द चाहिए, और हमारे अरुणाचल के भावी मुख्यमंत्री जी श्री पेमा सार जी सर से भी हम निवेदन करते हैं कि सर, इस केस को आप नर्म दिल से मत लीजिए सर, कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, जल्द से सजा दीजिएगा। जी, मेरा नाम मोजुम रुबा है, ओल्ड लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट लोअर स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। और अभी जैसे कि थोड़ा देर पहले बताया गया था कि ये प्रोटेस्ट रैली क्यों हो रहा है, कल पासीघाट में हुआ है, आज लोअर सियांग में हम लोग आयोजित किया गया है रैली को। सो मैं, हमारे साथ मौजूद है हमारा सर्कल ऑफिसर सर, सर जी भी थोड़ा सा सर से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं नोबू चदर, सर्कल ऑफिसर हेडक्वार्टर लिकावली हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ डिप्टी कमिश्नर सर। हमारा डीसी सर आज नारी टूर में निकल गए हैं, तो लेड बाय लॉ स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस आज यहां डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। जो रिसेंटली पासीघाट में जो घटना हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा घटना समाज में होना नहीं चाहिए। हम ऐसे घटने को, ऐसे चीज़ को नकारते हैं,
हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अरुणाचल सरकार इस चीज को मानता नहीं, जो रेपिस्ट है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये हमारा, हम हमेशा साथ देते हैं ऐसे विक्टिम्स के साथ। समाज में इस चीज के जो घिनौनी हरकत है ऐसे मिटाना है, रूट से, जड़ से मिटाना है। आप लोगों के साथ हम हैं, सरकार हमेशा करा उतारेंगे और आगे आप लोग और भी हायर अथॉरिटी में जाएंगे, हम आपको हेल्प देंगे। और आज अगर आप लोग शायद कुछ मेमोरेंडम या कुछ भी चीज़ डिमांड लेके आए हैं, मैं भी ऑन बिहाफ ऑफ डिप्टी कमिश्नर रिसीव करूंगा और सरकार को कवर करूंगा कि लिकावाली में जो आज प्रोटेस्ट हुआ है इसमें बहुत काफ़ी लोगों, काफ़ी मात्रा में पार्टिसिपेशन हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों में कितना दर्द है। अपने जो बेटी हमारे यहाँ लोअर सियांग के ही है जिसके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुआ है, आप लोग के साथ में मैं फिर से वो दोहराता हूँ, हम आपके साथ में खड़े उतरेंगे। आपके जो डिमांड्स है, आपके जो क्वेश्चंस है, जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम माध्यम बनेंगे गवर्नमेंट तक, सरकार तक पहुंचने के लिए। और आप लोग जो भी है, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, है ये आप लोग का राइट है और हम लोग साथ देंगे। जब तक प्रोटेस्ट गोइंग इन ए पीसफुल वे, वी आर ऑलवेज विथ यू, आवर डीसी सर इज विथ यू, ऑल द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट इज विथ यू। वी होप best result will come out of today's rally, so hoping that a fair investigation will take place and those who had committed the crime will be punished by the government, punished by the law. Law is above all, nobody is above law. Thank you very much.